हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को। वो मैं 13 तारीख को इसलिए आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया क्योंकि ट्रेन में आना भी था और ट्रेन के अंदर काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ वीडियो बनाना संभव नहीं था। तो मैं आज आपको उसका रिव्यू देने वाला हूँ, 13 जून को मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और आने वाली शिफ्ट के अंदर जो लेवल हैं, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3, इसके एग्ज़ाम जो है किस तरीके से आ सकते हैं और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और जो गलती मैंने की है वो आप ना कीजिएगा जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम हो बेहतर से बेहतर बन सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेवल 2 में मैथ सेक्शन से। तो मैथ का जो सेक्शन था वो कैलकुलेटिव सेक्शन बहुत था। सेकंड शिफ्ट का जो मैथ का सेक्शन था वो कैलकुलेटिव सेक्शन था। फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का सेक्शन था या जो रीजनिंग का सेक्शन था वो ईजी सेक्शन था, लेकिन जो सेकंड का था वो मॉडरेट था। और वहीं रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो जो सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे वो 2 सवाल काफ़ी बड़े थे, और जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेटमेंट के जो सवाल थे वो इतने बड़े थे कि पूरी स्क्रीन पर उनके ऑप्शन 1-2 ही आ पा रहे थे। वो पढ़ने में आपको 2-2.5 मिनट लग सकता है, तो आप उसका आंसर देने में 2 से 2.5 मिनट ले ही जाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा रिकॉल भी करना होगा। तो अगर मैं मैथ के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो जो लेवल था वो स्लाइटली अप हुआ था। स्लाइटली अप कैसे हुआ था? क्योंकि जो बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से थे कि जिनका आंसर आ ही नहीं रहा था। मैंने भी एक सिंप्लीफिकेशन था 11 सही 11/12, इसका इस तरीके का एक सिंप्लीफिकेशन था, इसको मैंने 2-3 बार सोल्व किया, इसका आंसर आ ही नहीं रहा था। और इसी प्रकार से एक मैथ का और एक सवाल था, उसका भी जो है सवाल का आंसर आ नहीं रहा था। बहुत से सवालों को डिफ़िकल्टी लेवल जो कहते हैं सवालों का वो अप कर दिया था, जैसे कि टाइम एंड वर्क का एक सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार कोई सवाल नहीं आया था लेवल 2 के अंदर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल थे वो भी काफ़ी आपको दिक्कत दे सकते हैं आने वाली शिफ्ट के अंदर, क्योंकि अब जो रह गए हैं बोर्ड वाले उनके लिए यही मैं कहूँगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर सवाल कर रहे हैं तो फंसे हुए सवाल कीजिए जो रेट पर आधारित हो, ईयर को हाफ ईयर किया हो या फिर क्वार्टरली किया हो सर को, तो इस तरीके के आप सवाल जो है सोल्व करिएगा। अगर आप सिंपल सवाल करते हैं और आपको थोड़े भी कैलकुलेशन की ज़्यादा आदत नहीं है तो आप पेपर को बुरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ के जो मेरे रूम में रुके हुए थे वो काफ़ी सारे कैंडिडेट से मैंने बात की है, तो वो लगभग 5 से 10 सवाल लास्ट के जो हैं वो देख नहीं पाए हैं क्योंकि पेपर जो था काफ़ी लेंथ था, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 सवाल आए थे, लेकिन 2 सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बड़े आए थे और एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसके अंदर 5-6 लाइनें दी हुई थी और उसके अंदर एक ही सवाल था बस, तो वो मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप में से किसी ने किया होगा तो आप बताना मुझे कि उसका आंसर क्या आ रहा था। वहीं अगर मैं मैथ रीजनिंग में बात करता हूँ तो बैंक लेवल के भी काफ़ी सारे सवाल थे उसके अंदर, जैसे इनइक्वलिटी के सवाल आए थे और रीजनिंग के अंदर ऑर्डर और रैंकिंग के भी सवाल थे, और जो आपका अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग होती है वो भी था, और सीरीज़ के जो सवाल थे वो 2 सवाल आए थे, 3 नंबर दिए हुए थे और बराबर करके दिया हुआ था कि ये किस कैसे आया हुआ है, उसी प्रकार से खाली किया हुआ था कि बताना था यहाँ पे क्या आएगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो जीके का जो लेवल है इसमें जीके का जो लेवल था वो हाई था, लेकिन इन्होंने साइंस के लेवल के 4-5 सवाल डाल दिए थे और करंट अफेयर के भी 5-6 सवाल इसके अंदर थे,
तो इजी था कि आप 50 में से 25 सवाल जो है कर सकते थे इस बात। लेकिन अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करता हूँ तो उसके अंदर आप 70 में से अगर 55 या 60 सवाल कर लिए हैं अगर आपने, तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि जो सवाल थे वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे और टाइम टेक हो रहा था सभी सवालों के अंदर। 1 मिनट से ज़्यादा का समय सभी सवालों के अंदर लग रहा था, क्योंकि लैंग्वेज भी उन्होंने थोड़ी सी ट्विस्ट कर रखी थी। और ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि इतना लेंथी पेपर लेवल 2 के लिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैंने जो है लेवल 2 के अंदर 86 अटेम्प्ट किए हैं, और अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है, मैंने जीके के जो थे 25 सवाल के करीब किए थे, तो उसमें मेरे 6 सवाल जो हैं वो गलत आ रहे हैं मैंने जैसा देखा है। आपके कितने सवाल जीके के अंदर गलत हुए हैं और कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए थे, तो उस तरीके से आप मुझे मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो है अटेम्प्ट क्या रहा है, और आपके जीके के, सिर्फ जीके के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सवाल तो कम्प्लीटली आ नहीं पाएंगे, तो जीके के आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अटेम्प्ट जीके में कितना रहा था और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही थी। इस वीडियो में बस इतना ही, जैसे ही नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम होगा किसी